हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। दोस्तों, आज हम वीडियो में देखेंगे बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसके अंदर हम पहले देखेंगे कि जो एंगल रहता है वो एंगल कैसे हमें प्रिपेयर करना है, उसको इजीली कैसे याद रखना है। तो हम उसको इजीली याद रखने के लिए मैं आपको एक सिंपल से ट्रिक दिखा रहा हूं कि जैसे कि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, पर वो होता कैसे, उसको इजीली हमें याद रखना है तो कैसे रखते हैं। तो यहां पर मैंने एक फिगर बनाई है कि ट्राइंगल एबीसी, जिसमें हमने क्या लिया, एक एंगल जो है अपना क्या है 90 डिग्री एंगल, यानी कि वो राइट एंगल है, और दूसरा एंगल हमने एज्यूम किया क्या है थीटा, तो तीसरा एंगल हमारा क्या होगा 90 माइनस थीटा। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी ट्राइंगल लेते हैं तो ट्राइंगल के जो तीनों जो एंगल रहते हैं वो तीनों एंगल का एडिशन क्या होता है अपना 180 डिग्री। तो यहां पर मैंने वही फॉर्मूला का यूज किया है, और यहां पर हमने जैसे कि मैंने यहां पर दो ट्राइंगल दूसरे दो रहे, तो मैंने यहां पर क्या किया, यही ट्राइंगल को सिर्फ मैंने इजीली अंडरस्टैंड कर, इजीली उसको हम समझ पाए उसके लिए मैंने इसको स्प्लिट किया। तो दोस्तों, यहां पर हम पहले ट्राइंगल की बात करते हैं। तो पहले ट्राइंगल के अंदर हमने पॉइंट किया कि ट्राइंगल एबीसी वेयर द वन एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो दोस्तों, ये जो 90 माइनस थीटा है तो हम उसके अंदर हम क्या करते हैं, अभी साइन एंगल कॉस एंगल वो फाइंड करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, दैट मीन साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो जैसे कि हम ये ट्राइंगल यूज करते हैं, इस ट्राइंगल की ऑपोजिट साइड क्या हुई, ये क्यों ये ऑपोजिट हुई, क्योंकि हम एंगल कौन सा ले रहे हैं 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा ले तो इसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड क्या हुई, ये हुई। तो 90 माइनस थीटा दैट मीन्स ऑपोजिट कौन सी साइड हुई, बीसी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है अपना एसी। और दूसरा फाइंड करते हैं इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहां पर हम देखते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोट, तो इसी एंगल की हम एडजेसेंट साइड कौन सी हुई, ए बी, तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस एसी। तो ये हुआ, हमने 90 माइनस थीटा से फाइंड किया। तो अभी जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो वो कैसे होता है, तो हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर एंगल कौन सा आया अभी थीटा, तो हम थीटा एंगल को चेक करने के लिए हम यहां पर देखते हैं दूसरा, जैसे कि मैंने यहां पर दूसरा एंगल क्या लिया है थीटा, तो हमने यहां करते, तो इसी ट्राइंगल के लिए हम करते हैं कि साइन थीटा, साइन थीटा दैट मीन इसका जो ऑपोजिट साइड है वो ऑपोजिट साइड कौन सी हुई, ये हुई, तो ऑपोजिट साइड क्या हुई, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या हुआ अपना ए सी। और इसी तरह से हम देखते हैं कि कॉस थीटा क्या होगा अपना एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब इसकी एडजेसेंट साइड क्या है, पास वाली साइड, ये वाली है, तो ये क्या हुआ बी सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या हुआ ए सी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या हुआ, कॉस थीटा है, और यहां पर हमने फाइंड किया था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हुआ अपना बीसी माइनस एसी। तो हम यहां पर बीसी माइनस एसी की जगह कॉस थीटा इजीली लिख सकते हैं। तो इसी तरह से ये क्या हुआ अपना फॉर्मूला प्रूव हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा अपना कॉस थीटा। एज सिमिलर कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा। तो दोस्तों, यहां पर इस तरह से याद रखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।